स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। योग एवं यज्ञ भारतीय संस्कृति के ये दो सबसे बड़े पहलू हैं, और पतंजलि योगपीठ में हमने 25 वर्ष पहले योग और यज्ञ की जो यात्रा प्रारंभ की थी, आज पूरे विश्व में योग की, यज्ञ की, वेदों की, ऋषि ज्ञान परंपरा की, भारत की महिमा की सुगंध फैल रही है। आज यज्ञ के साथ हम प्रारंभ कर रहे हैं। जब हम यज्ञ प्रारंभ करते हैं तो प्रथम तो ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्र बोलते हैं, जो पतंजलि योगपीठ से यज्ञ का नित्य प्रसारण होता है वैदिक चैनल पर और आस्था भजन पर आप उनमें सुनते हैं। अथेश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्रा पाने देव सवितर दुरितानि परास्व यद भद्रम तन्नास्व से प्रारंभ करके ओम अग्नि नये सुपथाराय अस्मान विश्वानि देव व युनानि विद्वान योयोध्यस्म जुहराण मेनु भूयिष्ठान्ति नम उक्तिम विधेम। ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र करके फिर आचमन करके और फिर यज्ञ प्रारंभ करते हैं। आचमन में भी मंत्र होते हैं, मंत्र पूर्वक आचमन करते हैं, फिर अंग स्पर्श करते हैं। ओम अमृतोपसरणमसि स्वाहा, ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा, ओम सत्यम यश श्रीर्मयी श्री श्रयताम स्वाहा। इस तरह से ये आचमन करके फिर अंग स्पर्श करके एक एक अंग की शक्ति मित्रता की कामना प्रभु से करते हुए ओम वांग में आस्यस्तु, ओम नसोर में प्राणोस्तु, पहले दाहिनी ओर फिर बाईं ओर, ओम अक्षणोर में चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु, ओम बाह्वोर में बलमस्तु, ओम ऊर्वोर्म ओजोस्तु, ओम अरिष्ठानि मेंगानि तनोस्तन्वा में सह संतु। इस सब ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना करके ईश्वर की स्तुति का अर्थ है भगवान की महिमा को स्वीकार करना, मानना, अनुभव करना कि जो भगवान सृष्टि के कण कण में ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जिथा मा गृधः कस्य सिद्धनम्। इस पूरे अस्तित्व के जर्रे जर्रे में जो व्यापक सत्ता है और सब से उत्पन्न हुआ, उसी से सब कुछ संचालित है और उसी में अंततः सब समाहित होता है। सर्वाधार, सर्वज्ञ, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। अर्थात सारी महिमा भगवान की ही है, सब कुछ भगवान से ही है, भगवान का ही है, भगवान के लिए ही है, ऐसा स्वीकार करना ही भगवान की स्तुति है। और प्रार्थना का अर्थ है जैसे भगवान के अनंत गुण कर्म स्वभाव हैं, अनंत सामर्थ्य, अनंत ऐश्वर्य, अनंत ज्ञान, अनंत प्रेम, अनंत सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य, ये भगवान का गुण है। ये सारे गुण कर्म स्वभाव, सारे ईश्वरीय सामर्थ्य वो हमको भी प्राप्त हो, ऐसे प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं। और हम फिर भगवान के ही प्रतिरूप हो करके, शाश्वत के सच्चे प्रतिनिधि हो करके, भगवान के मूर्त रूप हो करके, उनके प्रत्यक्ष प्रकट ब्रह्मस्वरूप हो करके हम जिए, ये उपासना। तो भगवान की स्तुति प्रार्थना उपासना पूर्वक ऐसे यज्ञ प्रारंभ किया जाता है। फिर इसमें दीप प्रज्वलन करते हैं। दीप प्रज्वलन करके अब देखिए, ये दीपक में हमने जो घी डाला है वो पतंजलि गाय का घी है, और गाय के घी से ही यज्ञ किया जाता है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, देश, पूरी दुनिया में घी होगा तो गाय के घी से ही होगा, ये विधान है यज्ञ का। और वो गाय का घी शुद्ध होना चाहिए, इसलिए हमारी खाद्य सामग्री, हमारे घर में जो हम घी, तेल, मसाले, आटा, बेसन, जो भी हम बिस्किट, नूडल, च्यवनप्राश, पावर वीटा, जो भी हम प्रयोग करते हैं, वो हमारे उत्पाद तो शुद्ध होने चाहिए, पूजा की सामग्री तो उससे भी शुद्ध होनी चाहिए। इसके बारे में हम बताएंगे।
ओम भूर भुवस्वः, इनको महाव्याहृति कहते हैं। अब ये भूर भुवस्वः इन मंत्रों का उच्चारण करके, फिर हम दीप प्रज्वलन करके, फिर हम अग्निदान करते हैं, फिर समिधादान करते हैं, फिर आहुतियाँ देते हैं। आज हम आपको यज्ञ की विधि बता रहे हैं, और ये यज्ञ आप पतंजलि योगपीठ के प्रत्येक प्रकल्प में देखते हैं, चाहे वो पतंजलि योगपीठ हो, आयुर्वेद कॉलेज, पतंजलि विश्वविद्यालय, पतंजलि गुरुकुलम, वैदिक गुरुकुलम, वैदिक कन्या गुरुकुलम, जो भी पतंजलि के प्रकल्प हैं, और कोई भी आप पतंजलि में बड़ा आयोजन देखते हैं तो यज्ञ पूर्वक होता है। ओम भूर्भुवस्वः, इसको महाव्याहृति कहते हैं। अब इसमें हम दीपक जला करके, फिर अग्नाधान के लिए हम कपूर जलाते हैं। अब कपूर में एक कपूर आता है 50 रुपये किलो, जिसमें प्योर केमिकल होते हैं। एक कपूर आता है ये 500 रुपये किलो। अब ये अंतर है। भगवान को यदि हम अशुद्ध पूजा सामग्री अर्पित करते हैं तो उससे फिर पूजा का फल नहीं मिलता है, इसलिए पूजा की सामग्री पूर्ण शुद्ध होनी चाहिए। और मंत्रों का भी शुद्ध उच्चारण होना चाहिए, भाव भी शुद्ध होना चाहिए। ओम भूर्भुवस्व द्यौरिव भूम्ना पृथिवी ववरिम्णा तस्यास्ते पृथिवीदेव यजने पृष्ठे अग्निमन्ना दमन्ना द्याया दधे। अब ये कपूर प्रज्वलित हो गया। यद्यपि कपूर में धुआं तो निकलता ही, लेकिन केमिकल वाले में तो बहुत भयंकर धुआं निकलता। ये 100% शुद्ध पूजा सामग्री हो, यह हमारा संकल्प है। अब अग्निध्यान करके फिर अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए प्रार्थना करते हैं। ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजाग्रहे त्वमिष्टा पूर्ते संसृजे थामयंचा अस्मिन् सदस्थे अध्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानस्य सीदता। फिर इसमें ये घी डालते हैं, ये गाय का घी है, तो ये भी शुद्ध होना चाहिए। हमारी पूजा पूरी तरह से शुद्ध हो तो उसमें घृत भी शुद्ध होना चाहिए। पूजा में मधु का भी प्रयोग होता है तो मधु भी हमारा शुद्ध होना चाहिए। जैसे ये मधु है तो ये मधु भी हमने शुद्ध उपलब्ध कराया पूजा के लिए, छोटा पैकिंग, नहीं तो पतंजलि का 250 ग्राम से कम तो आपको उपलब्ध ही नहीं होता था हनी। हमने पूजा के लिए स्पेशल ये 50 ग्राम, 100 ग्राम उपलब्ध करवाया आपको पूजा के लिए विशेष रूप से। सारी हमारी पूजा की सामग्री शुद्ध होनी चाहिए। और अभी इसमें फिर 3 समिधाओं क्या होती, फिर 5 घी क्या होती, फिर सामग्री क्या होती अर्पित करते हैं, तो मैं इसके संदर्भ में थोड़ा थोड़ा संकेत करता हुआ आपको आगे ले चलता हूँ। एक तो संविधाएं, अभी जैसे हम अयंत इधम आत्मा ऐसे करके 3 संविधाएं अर्पित करते हैं, उसमें एक आहुति मंत्र मैं आपको बोल देता हूँ। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्ते निध्य स्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जात वेदसे इदन्न मम। ओम समिधाग्निम दुवस्यत घृतैर्बोर्धयता तिथिम आस्मिन् हव्या जुहोतन ओम सुसमिद्धा यशोचिषे घृतम तिव्रम जुहोतन महेरणाय चक्षसे। तो अलग अलग मंत्रों से ये 3 संविधाओं की आहुति देने के उपरांत फिर 5 घृत आहुतियाँ देते हैं, फिर जल सिंचन करते हैं, और फिर घी और सामग्री की 7-7 आहुतियाँ अर्पित करते हैं। आपको ज्यादा मंत्र नहीं आते हैं तो आप गायत्री मंत्र से आहुति दे लीजिए। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। आज मैं आपको परिचय करवा रहा था योग और यज्ञ की, जो हमारी पावनी परंपरा है। अब
ये तो मैंने थोड़ा सा यज्ञ के बारे में बताया। अब यज्ञ में घी के बाद फिर सामग्री की बारी आती है। जो सामग्री आप देख रहे हैं, ये सामग्री हम आपको आधा किलो के 1 किलो के पैकेट में उपलब्ध कराते हैं। हमने पहले दिव्य फार्मेसी में भी यह बनाई थी और अब आपको हम ये आस्था पूजा सामग्री के नाम से पूरी ही हवन की सारी ये सामग्री उपलब्ध करवाते हैं। अक्सर लोग क्या करते हैं, पूजा सामग्री के नाम पर भी कूड़ा करकट मिला करके कि किसने देखा कि इसमें क्या है, और वो सामग्री आपको दे देते हैं और आप भी सोचते हैं हमने तो भगवान को अर्पित कर दिया। इसमें जब आप इस सामग्री को जब आप प्लेट में डालेंगे, ये मैं खाली कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ, इसमें बादाम भी हैं, ये ओरिजिनल बादाम है इसके अंदर। इसके अंदर अलग अलग प्रकार के और औषधियाँ भी हैं। जब इसको आप जो है डालते हैं तभी आपको इसमें दूर से ही सुगंध आने लगती है, इतनी इसके अंदर दिव्यता है। ये जो पूजा सामग्री है इसमें हम जो भी हव्य अर्पित करते हैं वो शुद्ध होना चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि हमारी जो भी पूजा की सामग्री है उसमें यदि शुद्धता नहीं होगी, उसमें यदि पवित्रता नहीं होगी, तो फिर हम भगवान को कैसे उस अर्घ्य को अर्पित कर पाएंगे। अब मैं एक एक करके थोड़ा और परिचय करवा देता हूँ। आप घरों में मोमबत्ती जलाते हैं, मोमबत्तियों में भी कई प्रकार की मोमबत्ती हम आपको उपलब्ध करवाते हैं। यह तो बड़ी मोमबत्ती है जो आप विशेष अवसरों पर प्रयोग करते हैं। तो आप को आस्था पूजा सामग्री में इससे कितने लोगों को रोजगार मिलता है, ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर के, और महिलाओं से लेकर के गरीब लोगों को रोजगार। ये तो एक तरह की जो है बड़ी मोमबत्ती है जो जिससे हम आपका परिचय करवा रहे हैं। ऐसे कैंडल्स में बड़ी कैंडल के साथ साथ बर्थडे कैंडल, वो भी आपको इस आस्था पूजा सामग्री में मिलती है। अब ये जैसे ये बर्थडे कैंडल है, तो ये बर्थडे कैंडल्स भी आपको अलग अलग कलर्स में उपलब्ध हैं, इनका आप प्रयोग कर सकते हैं। बर्थडे कैंडल्स, इन पूजा सामग्रियों में भी विदेशी कंपनियों का कब्जा हो गया था। यद्यपि हमारे यहाँ जो छोटे छोटे लघु उद्योग गृह उद्योग हैं वहाँ पर भी जो है ये बनाने लगे हैं लोग। हमारा अभिप्राय है जो छोटे छोटे लोग इन कार्यों में लगे हैं उनको हम प्रोत्साहन दें, और ये कब दे पाएंगे, जब हम अपने पदार्थों के प्रति, अपने लोगों के प्रति गौरव का भाव रखेंगे। मंगलदीप विशेष अवसरों पर लोग ऐसे स्पेशल डिज़ाइन के ऐसे दियों का प्रयोग करते हैं। इसमें अलग अलग प्रकार के सुगंध युक्त भी आते हैं। अब आप विशेष अवसरों पर जब इस तरह के कैंडल्स का इस्तेमाल करते हैं तब देखने में भी कितना खूबसूरत, आप देखिए सभी तरह से। ऐसे विशेष ये दीपक हो गए जिनका आप विशेष अवसरों पर प्रयोग करके और अपने घर की शोभा बढ़ा सकते हैं, अपने उत्सव की शोभा बढ़ा सकते हैं, वो भी हम आपको यहाँ पतंजलि से उपलब्ध करवाते हैं। बहुत लोगों को तो पता ही नहीं है कि पतंजलि में कितने प्रकार के ये द्रव्य उपलब्ध होते हैं।
कितने प्रकार के उत्पाद, कितने प्रकार के प्रोडक्ट्स मिलते हैं पूजा सामग्री में भी, ये बहुत ही खूबसूरत मंगल दीप है। फिर इसमें छोटे दीपक भी हैं, ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं छोटे दीपक हैं, जो लोग किसी पात्र विशेष में पानी भर करके और उसके ऊपर ये दिए जला देते हैं, ये छोटे दिए हैं जो आप विशेष उत्सवों पर अथवा आप देखते हैं कि अपने विशेष प्रतिष्ठान हैं जहाँ पर लोगों की आवाजाही ज़्यादा होती है, ऐसे स्थानों पर आप इस तरह के जो है दीपक आदि जलाते हैं विशेष अवसरों पर। जन्मदिन है, शादी का अवसर है, नववर्ष है, ऐसे अवसरों पर जब आप इस प्रकार से, कोई मंगल दिन होता है तो इसलिए क्या इसका नाम ही मंगल दीप रखा है। फिर लोग धूप और कौन, अब जैसे कौनस में ये इस तरह के कौनस हैं, आस्था कौन, इसमें अलग अलग प्रकार की हैं, सैंडल की है ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये सैंडल वाली है। इस प्रकार से अलग अलग, ये दूसरी है लोबान वाली है, ये कौन बोलते हैं इनको, इसको भी आप ऐसे। अब कौन में यदि आपकी शुद्ध नहीं है वो कौन, तो उसमें पोल्यूशन होगा आपके घर में, सुगंधि कम फैलेगी। और देवता प्रसन्न होना तो दूर की बात रही, आप का स्वास्थ्य और खराब हो जाएगा। इसी तरह से एक होती है धूप, अब धूप में भी लोग कितने चारकोल, गांव की भाषा में तारकोल जिसको बोला जाता है, सड़क पर जिसको डालते हैं डांबर, डांबर से लेकर के और जो गाड़ियों के अंदर जो जला हुआ तेल होता है इंजन आदि में से निकालते हैं, उससे लेकर के वो जलनशील होता है, और ऐसी ऐसी चीज़ों का लोग इस्तेमाल करते थे। हमने पूरी प्रामाणिकता के साथ आपको ये आस्था पूजा सामग्री में जो कोण है, ये धूप बत्ती है, ये भी सब पूर्ण शुद्ध रूप में उपलब्ध करवाई। तो आप ऐसे शुद्धता, इसको महिमा दें और अलग अलग तरह से लोग इसको करके और इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैंने देखा लोग जो है अशुद्ध पूजा सामग्री का, मैंने भी वर्षों पूर्व इन चीज़ों को अनुभव किया कि हम प्रयोग कर रहे हैं पूजा सामग्री का, लेकिन उसमें इतनी ज़्यादा अशुद्धि होती कि उससे भगवान का प्रसन्न होना तो मैंने कहा बहुत दूर की बात रही, अपनी सेहत और ख़राब हो सकती है। तो ऐसी चीज़ों से हम बचें। तो मैं आपको ये आस्था पूजा सामग्री का व्यवहारिक तौर पर आपको ये प्रयोग बता रहा था, और योग और यज्ञमयी जो हमारी संस्कृति है उसके संदर्भ में बहुत संक्षेप में आपको परिचय दे रहा था। ये कौन है चाहे धूप है, और इसमें एक विशेष है, मैंने योग करते समय भी उसके संदर्भ में परिचय दिया था, आज थोड़ा और देता हूँ। ये संभ्राणी कप है, ये छोटे बच्चे जब जन्म लेते हैं, महाराष्ट्र गुजरात साउथ में काफ़ी प्रयोग होता है, छोटे बच्चे जब जन्म लेते हैं तब से लेकर के, और घर में जब विशेष अवसर होते हैं पूजा के, तब ये जो है
रुई बत्ती भी है, अलग अलग प्रकार के ये भी आपको उपलब्ध होते हैं। ये कुमकुम के साथ है, ये बिना कुमकुम के शादी है। खैर, इससे भी सैकड़ों हजारों महिलाओं को रोजगार मिलता है और आपको शुद्ध द्रव्य मिलते हैं। मैं संभ्राणी कप के संदर्भ में कह रहा हूँ, ये जो बाईं तरफ रखा हुआ है, देखिए ये जो संभ्राणी कप है इसके अंदर एक एक कप होता है और ये कप लोग कोयला से बनाते थे। हमने इसके अंदर लिखा हुआ है नॉन कोल, कोयला रहित उपासना संभ्राणी कप। लोग कोयले से ये कप बनाते थे क्योंकि कोयला आसानी से जल जाता है। हमने बिना कोयले के ये कप बनाए। ऐसे ये जो कप है इसको आप ऐसे जब जलाते हैं, ये गोबर से ले करके और इसमें कई प्रकार के उसका प्रयोग हुआ है, जड़ी बूटियों का, तो कोयला वाला कप एकदम जल जाता है। इसको जलने में एक बार थोड़ा सा मुश्किल से 10-20 सेकंड का समय लगता है। 10-20 सेकंड में ये इसके ऊपर वाला हिस्सा ऐसे जलने लगेगा और जब ऐसे जलता है तब इसमें भी जड़ी बूटियों की खुशबू आती है। जब कोयला वाला जलता है तो उससे तो पोल्यूशन ही फैलेगा। अब जब ये ऐसे जलेगा इसको जलाने के बाद थोड़ी देर ऐसा जलता है तो इसमें ये एक बार जलना शुरू हो गया तो मुश्किल से इसमें 10-20 सेकंड का समय लगता है। 10-20 सेकंड में एक बार जैसे जल गया तो फिर ये जलता रहेगा। अब इसमें इसी कप के अंदर, सम्राणी कप के अंदर ही ये औषधियाँ हैं। इन औषधियों को आप ऐसे ही काटा इसको और काट करके इसके अंदर ऐसे डाल दिया। इतना सुगंधित होता है। अब इसको घर में रखने से ही ऐसे आपके चित्त को शांति मिलती है। इस कप के अंदर ये पूजा सामग्री, ये जो इसका औषधियां हैं, इसको ऐसे डाल दिया। और ये आप देखना, ये विद इन 10 सेकेंड्स बहुत खूबसूरत तरीके से इसमें से खुशबू आने लगती है। आप इसको कोई भी पर ऐसे रख दिया, ये जलता रहेगा। जैसे ये अब इसमें से ये आप देख सकते हैं, अपने आप ये औषधियों की खुशबू इसमें दूर दूर तक अपने आप फैल जाती है। मैं आपका परिचय करवा रहा था अलग अलग प्रकार की ये पूजा सामग्री। ये जो है इसमें जैस्मीन है, इसके अंदर अलग अलग प्रकार के जो सुगंधित पौधे होते हैं
उनकी ये अगरबत्तियाँ हैं। हर चीज़ आपकी शुद्ध होनी चाहिए, ऐसा विश्वास होता है लोगों का कि जहाँ सुगंधि होती है वहाँ देवताओं का वास होता है। और जहाँ दुर्गंध होती है वहाँ आसुरी शक्तियों का, अब उनको रोग रोग कहो, उनको अलग अलग संज्ञाएं दो, आप जिस भी पूजा सामग्री का प्रयोग कर रहे हैं उसमें शुद्धता ये पहली शर्त होती है। तो ये सारी पूजा सामग्री पतंजलि की ओर से, आस्था पूजा सामग्री की ओर से आपको शुद्ध उपलब्ध करवाई जाती है। और इसका प्रयोजन यही है कि आपको सब द्रव्य पवित्रता के साथ में हम उपलब्ध करवाएं। मैंने आपको ये कुछ परिचय दिया है, इसमें गाय का घी तो आपको घर में खाने के लिए भी, और 5 किलो और इसमें 15 किलो भी उपलब्ध होता है, जिसका आप शादी विवाह, अब कोई आपके घर में विशेष अवसर है और उसमें आप अपने मेहमानों को यदि अशुद्ध द्रव्य का उपयोग करवाते हैं, माने घी शुद्ध नहीं होता है, तेल शुद्ध नहीं होता है, आटा बेसन शुद्ध नहीं होता है, तो जो घर में आने वाले जो अतिथि होते हैं, मेहमान होते हैं, वो आपको क्या दो? इसलिए चाहे घर में विशेष अवसरों पर आप घी घृत का प्रयोग करें तो भी प्योर घृत है, 1/2 किलो से लेकर के 1 किलो से लेकर के और 5 किलो तक का ये घृत आपको हमने उपलब्ध करवाया। और इसी तरह से ये अलग अलग प्रकार की पूरी पूजा सामग्री, हवन सामग्री, कपूर, रोली और मोली, जैसे ये रोली और कलावा दोनों, यहाँ ये अलग अलग प्रकार के जो है द्रव्य आप देख रहे हैं, इसमें ये थोड़ा रेडिश कलर का है, इसमें ये चंदन वाला है, टीका है ये, और सिंदूर है, ये साउथ में और जो खास करके शैव वैष्णव अलग अलग परंपराओं में लोग सफ़ेद तिलक भी लगाते हैं, कुछ खड़ा हुआ लगाते हैं, कुछ पड़ा हुआ लगाते हैं, जैसे जिसका है तो वो भी उसकी भी उसमें भी लोग केमिकल आदि मिला देते हैं, वो सेहत के लिए बहुत खतरनाक होता है। ये कलावा है, यज्ञोपवीत तो यद्यपि अक्सर मिल जाते हैं लेकिन उसमें भी अच्छी क्वालिटी की यज्ञोपवीत भी हम उपलब्ध करवाते हैं क्योंकि हमारे योग साधकों को भी हम देते हैं। ये कलावा भी ये कॉटन का है, ये भी आप लोग को उपलब्ध करवा दिया है। और इसके साथ साथ आजकल अलग अलग प्रकार के डीओ, उसमें इतने भयंकर केमिकल्स होते हैं, काफ़ी लोगों को तो उससे एलर्जी हो जाती है। हमने ये आस्था जवादू पाउडर, इसके बारे में मैंने यद्यपि पहले भी एक दो बार बताया है, आज थोड़ा और बता देते हैं। ये जो जवादू पाउडर है ये इसमें नीलगिरी वाला है और ये जो है आस्था जवादू पाउडर बस ऐसे औषधीय द्रव्यों के साथ है। इसमें खास बात यह है
कि ये जो पाउडर है आप जब इसमें से ऐसे थोड़ा सा ये लिया और लेकर के स्नान के बाद ऐसे ही इसको शरीर पर लगा लिया, ऐसे हाथ में लिया और ऐसे बॉडी पर रब कर लिया, ऐसे ऐसे रब करके, और बाद में आप एक लोटा पानी डाल लीजिए, या शावर ले रहे हैं तो बस 10 सेकेंड 20 सेकेंड शावर ले लीजिए, बस अगले दिन तक आपके शरीर में खुशबू रहती है जब अगले दिन तक स्नान करने तक। और आपने हाथ से ऐसे लगाया तो पूरे दिन भर आपके हाथ में खुशबू रहती है, जड़ी बूटियों की है ये। पहले तो लोग दुर्लभ चीज़ मानते थे इसको, नेट के ऊपर आप खरीदते हैं इसको तो 500 से लेकर के 5000 रुपए में जवादू पाउडर मिलता है, 500 से लेकर के 5000 रुपए तक। हमने शायद इसका 200 रुपए या कुछ इसका MRP है, 200 रुपए। इतना सुगंधित है, आप एक बार इसका इस्तेमाल कर लेंगे तो ये जितने भी केमिकल वाले आप जो सुगंधित चीज़ें अक्सर लोगों को पसंद होती हैं आप फिर उनका प्रयोग नहीं करेंगे, इतना ज़बरदस्त है ये जवादू। तो ये जवादू जो थोड़े भगवे कलर के इसमें डब्बे में भी मिलता है, और ये नीलगिरी वाला ये इसमें नीले वाले डब्बे में मिलता है, तो आप एक बार इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, बाद में आप मुझसे नहीं पूछेंगे। काफ़ी जगह से लोगों ने कहा कि जी वो जवादू पाउडर नहीं मिलता। मैंने एक बार यहाँ हरिद्वार में जब साधु स्वाध्याय संगम हुआ तो बहुत से महापुरुषों को, ये जो साधु संत आए हुए थे सबको एक एक पूजा सामग्री और ये जवादू पाउडर उपहार में दिया। साधु संत आते हैं तो उनको ये हमारा कर्तव्य बनता है कि उनको दक्षिणा दी, तो हमने दक्षिणा रूप में उनको उनके ही उपयोग की वस्तुएं दी। खैर, तो ये जवादू पाउडर भी बहुत ज़बरदस्त है, माने आप तमाम तरह के जो केमिकल्स इस्तेमाल करते हैं उनका ये स्वस्थ विकल्प है। आपको आदि और तमाम तरह के जो हजारों हजारों रुपए के जो महंगे जो स्प्रे आदि आप करते हैं उनकी किसी की आवश्यकता नहीं है, आप एक बार इनका इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। और आपको लोग पूछने लगेंगे, खास करके माँ बहन बेटियाँ ही घर में, चाहे पूजा सामग्री है चाहे खाद्य सामग्री है, घर के लोग क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या प्रयोग करेंगे, घर का जो पूरा गृह मंत्रालय का जो उत्तरदायित्व होता है माँ बहन बेटियों का होता है, आप एक बार इन वस्तुओं का उपयोग करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपके घर की चीज़ें बदल रही हैं। आप ये जवादू पाउडर का इस्तेमाल कीजिए, और जवादू के साथ साथ कुछ और बातों की तरफ भी मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। ये हमने जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये एयर फ्रेशनर के तौर पर, आप फ्लाइट में हो, बड़े ऑफिसों में हो, आजकल बड़े घरों में भी इन चीज़ों का प्रयोग हो रहा है। हमने ये आस्था पूजा एयर फ्रेशनर गंगा जल का इस्तेमाल किया हमने, और ये बिना अल्कोहल के। अब वैसे तो हम दारू पीते नहीं है, और भगवान के खास करके पूजा स्थान पर और अपने घर में भी जिन घरों के अंदर शराब आदि का इस्तेमाल नहीं होता है, तो फिर वो चाहे आप डीओ इस्तेमाल करते हैं, जो भी स्प्रे इस्तेमाल करते हैं, एयर फ्रेशनर इस्तेमाल करते हैं, उसमें जो है अल्कोहल होता है और वो ठीक नहीं है। जब जिस हम खुद अच्छा नहीं मानते हैं तो
ये जितने भी पूजा सामग्री, पूजा एयर फ्रेशनर्स आप देख रहे हैं, इसमें अलग अलग प्रकार की खुशबू है। ये अलग है, ये अलग है। जिसको जिस तरह की खुशबू पसंद है तो उसी तरह का आप इसमें सिलेक्शन कर सकते हैं। और इसमें आप जब ऐसे आप प्रयोग करेंगे तो आप देखेंगे ये पूर्ण पवित्रता के साथ आपके घर में आप एक जो है नई परंपरा आप उसकी शुरुआत कर सकते हैं। मैंने इसलिए परिचय करवाया कि ज़्यादातर लोगों को इन प्रोडक्ट्स का भी पता नहीं है। जैसे पतंजलि में डेंगू के लिए डेंगू नल औषधि भी हमने बनानी शुरू कर दी है, जिसमें पपीते के पत्तों का एक्सट्रैक्ट है, अनार है, उसके अंदर एलोवेरा है, वीट ग्रास और गिलोय जो सर्वाधिक उसमें लाभ करती है, सारी चीज़ें हैं उसके अंदर। ये डेंगू नील का नहीं पता। मातृत्व गर्भवती महिलाओं के लिए मातृत्व और जो बच्चा पैदा होने के बाद उनके लिए मातृत्व प्लस जो बच्चे को दूध पिलाती है माँ, उनके लिए। तो प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी के बाद मातृत्व, मातृत्व प्लस ऐसी और भी जिनमें प्रोटीन, न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, विटामिन्स की कमी हो जाती है, उसके लिए अलग अलग प्रकार की जो औषधियाँ बनाई, बहुत सी औषधियों का भी नहीं पता, ऐसे बहुत से लोगों को ये आस्था एयर फ्रेशनर और अलग अलग प्रकार की ये जो पूजा सामग्री थी इसके बारे में भी बहुत से भाई बहनों को पता नहीं था, इसलिए आज हमने आपका इनसे परिचय करवाया।